सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। सेमीफाइनल में जीत, फाइनल की भी गारंटी, ये तो बस ट्रेलर है, अभी पूरी पिक्चर है बाकी। भारत के सियासी इतिहास की यह अनोखी घटना है, बिल्कुल नायाब, ऐसा कभी नहीं हुआ, इसे लेकर बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। चुनाव जानकार चकित हैं, विपक्ष में खलबली है। कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। बड़े बड़े सियासी सूरमा पूर्वानुमान लगाने में फेल हो गए, विश्लेषण हो रहा है, देश के हर शहर में यही चर्चा है। मोदी नाम का डंका बज रहा है, चार विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की बंपर जीत से कांग्रेस के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है। ऐसा कैसे हुआ? जवाब बस एक नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब देश को भरोसा, मतलब जीत की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चुनावी राज्यों की जनता ने मान लिया, पीएम मोदी ने बीजेपी को वोट देने को कहा, जनता ने झोली भर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष के बहकावे में ना आए, जनता ने स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास हुआ है, विकास होगा, डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, काम करेगी, लोगों ने मान लिया, क्योंकि ये गारंटी किसी पलटी मार सियासतदान की नहीं, किसी जातिवादी सियासतदान या परिवारवाद के अलंबरदार सियासतदान की नहीं, बल्कि ये गारंटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो शत प्रतिशत पूरे किए जाएंगे, और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। क्यों है देश को भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर? चुनावी राज्यों में वो कौन से मुद्दे थे जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जोड़ा, डायरेक्ट कनेक्ट किया? पीएम मोदी के उन मुद्दों को देखिए जिन पर अब ब्रांड मोदी छप चुका है, और इस ब्रांड की खासियत है भरोसा, विकास, महिला सम्मान, भ्रष्टाचार का खत्म नामो निशान, सड़कों का जाल, हर घर जल का बड़ा नाम, जो किया है करेंगे, और फुल ऑन जनता का साथ। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। केंद्र में 9.5 साल पुरानी सरकार और एंटी इनकम्बेंसी का कहीं आता पता नहीं, उल्टे जो वोट झोला भर भर कर मिला वो अब की बार जनता ने जैसे बोरे में भर भर कर दे दिया। माला माल हो गई है बीजेपी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता ने सुनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गारंटी कार्ड पर भरोसा किया। ये जन सैलाब, ये उमंग, ये उत्साह, ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। जीत के जलवे के बीच बड़ी लड़ाई बाकी है,
जीत का सेहरा यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर है, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर सजता दिख रहा है, क्योंकि ये राज्यों के विधानसभा के नए आंकड़े देखने वाले नहीं पूछेंगे, वो नहीं पूछेंगे कि अलग अलग राज्यों की जीत में पूरा विपक्ष चाहे बीआरएस हो या कांग्रेस सिर्फ पीएम मोदी से लड़ती दिखी, पीएम मोदी से ही पूरा मुकाबला चला। इसलिए बीजेपी की जीत की जश्न के पीछे उस मोदी फैक्टर की तय में तलाश करेंगे जिसने 2024 लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है, जीत की राह तय करती है। सियासत के सारे ककेरे फेल हो जाते हैं, जाति परिवारवाद क्षेत्रवाद के सारे समीकरण उलट पुलट जाते हैं, जानकारों के सारे सूत्र नाकाम साबित होते हैं, एक बार नहीं बार बार, क्योंकि चुनावी राजनीति की जितनी भी चलताऊं डिग्रियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे धड़ाम हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ के मुकाबले मोदी का नाम लिया गया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश बघेल के मुकाबले बीजेपी ने पीएम मोदी को आगे रखा, राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत के मुकाबले भी बीजेपी का सहारा पीएम मोदी ही रहे। बीजेपी ने राज्य के किसी एक नेता के नाम दांव नहीं खेला, पूरा चुनाव ब्रांड मोदी के नाम पर लड़ा गया। यहां यह भी देखना बहुत जरूरी है कि विपक्षी एकता वाली पार्टियां जो लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट मुकाबला करने का ताल ठोक रही हैं, इस चुनाव में क्या करती रही। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी और जेडीयू भी लड़े, लेकिन अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच जो हुआ वो निराश करने वाला रहा। यह सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसी विपक्षी एकता लेकर चल रही पार्टियों की आम चुनाव में परफॉर्मेंस क्या होगी इसका अंदाजा अभी से जानकार लगाने लगे हैं, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी उन मुद्दों की चर्चा जिसे बीजेपी ने उठाया, विपक्ष ने उठाया और जनता ने उसका जनादेश से जवाब दे दिया। एक बात ध्यान रखनी है कि जब चुनाव का केंद्रीय चरित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो तो मुद्दे भी बड़े और वजनी होंगे। बीजेपी के लिए राज्य विधानसभा चुनाव उन मुद्दों के ट्रायल का भी रहा जिसे लेकर वो लोकसभा चुनाव 2024 में जनता के बीच जाने वाली दिख रही है। इन मुद्दों की समझ और मुद्दों की दलील का इस चुनाव में विपक्ष के पास कोई तोड़ नहीं दिखा। बीजेपी अपने परंपरागत हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही कायम रही। इस बार राज्यों के हिसाब से मुद्दे बदलते रहे, राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड, तेलंगाना में उर्दू को दूसरी भाषा बनाए जाने को लेकर, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मुद्दा, मध्य प्रदेश में महिला लाडली बहना योजना। इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से जो कहा उसका असर देख सकते हैं आप राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों में और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में। कांग्रेस ने जातीय जनगणना और पिछड़ा कार्ड खेला तो बीजेपी ने उसका जवाब महिला आरक्षण कानून से दिया। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के खिलाफ स्थानीय मुद्दे भी उछाले गए। सीधी में हुए पेशाब कांड का मुद्दा कई बार उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी और महंगाई के साथ साथ बिजली सड़क और पानी जैसी बुनियादी मुद्दों को लेकर बीजेपी को टारगेट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर पाने में विपक्ष समर्थ नहीं हुआ। जाहिर तौर पर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। चुनाव नतीजों के बहुत पहले से बीजेपी आम चुनावों के लिए कमर कसकर मैदान में कूद चुकी है। विपक्ष का मेल, सीटों का तालमेल, विपक्षी नेताओं का आपसी खेल और इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेल करने की कोशिश। कुछ महीनों में पिक्चर क्लियर होगी कि इन सबका असल वाला अंजाम क्या होता है। तीन राज्यों ने बीजेपी को वोट से मालामाल कर दिया और अब की बार तो चुनाव के अलावा देश की परिस्थितियां भी मोदी सरकार के समर्थन में खड़ी दिख रही हैं। नजर डालिए, दूसरी तिमाही में शानदार जीडीपी ग्रोथ रेट, शेयर बाजार ने रचा इतिहास, औद्योगिक उत्पादन ने पकड़ी रफ्तार, नवंबर में शानदार जीएसटी कलेक्शन। चुनाव मुद्दों पर सवार होकर सफर करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी मुद्दों का हल बहुत बढ़िया तलाशते हैं। विपक्ष जहां वादे करता है, पीएम मोदी वादों को पूरा करने की गारंटी देते हैं।